नेक्स्ट अगेन व्हाट इज द आउट ऑफ गिवन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में डिफरेंट केस क्या है। प्रीवियस केस में रिकर्सन के केस में रिकर्सली कोई फंक्शन ओनली वन टाइम कॉल हो रहा था, लेकिन इस केस में एम वन इटसेल्फ कितनी बार कॉल हो रहा है, वन टाइम एंड सेकेंड टाइम इज टू टाइम्स। इस टाइप की कंडीशन में फंक्शन को किस टाइप से प्रोसेस करें, अगेन प्लस पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट कब होगा बेस्ड ऑन इफ कंडीशंस, मींस जब तक एन का वैल्यू जीरो से बड़ा है। अगेन इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट केस क्या रहे, गो थ्रू ट्री डायग्राम। स्टैक के केस में काफी कॉम्प्लिकेटेड केस होने के चांसेस, इन दैट केस अगेन एम वन मेन फंक्शन से स्टार्ट करें, मेन एम वन के अंदर पास कर रहा थ्री। वन मोर थिंग्स, इस केस में स्टेटमेंट्स को मैं काउंट कर रहा हूँ एज आ वन, दिस वन इज टू, दिस वन इज थ्री, मीन्स टोटल थ्री स्टेटमेंट्स एवरी टाइम जब तक एक कंडीशन टू हुआ। तो फाइनली कंडीशन के रिगार्डिंग में कितनी स्टेटमेंट प्रोसेस करना आपको एवरी टाइम, थ्री स्टेटमेंट्स, वन टू एस एंड थ्री। मीन्स इस प्लेस पर मार्क करूँ वन टू एंड थ्री, लेकिन ये थ्री स्टेटमेंट को चांस कब प्रोवाइड होगा, अगर इफ कंडीशन टू, अदरवाइज लीव इट सिंपली। नेक्स्ट वन एम वन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम पास क्या हो रहा है, थ्री, एम वन वैल्यू एस थ्री, देन कंडीशन चेक करें थ्री पास हुए, एन का वैल्यू क्या पास हो रहा है, थ्री, थ्री ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू देन इस कितने केस क्रिएट होंगे, इस केस में थ्री केसेस। वन टू थ्री, फर्स्ट केस में क्या है एम वन एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना पास हुआ, थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, अगेन कॉल क्या हो रहा है एम वन, पास क्या हुआ इस केस में टू, देन प्रिंट एफ एन, सेकेंड केस में क्या है प्रिंट एफ एन, एन इज थ्री मीन्स टॉप में। नेक्स्ट टाइम थर्ड केस में क्या है एम वन एन माइनस वन, एन वैल्यू थ्री है इसलिए एम वन के केस में अगेन क्या पुट करेंगे टू। नेक्स्ट टाइम सेम केस अगेन रिमेनिंग एम वन के लिए कब तक परफॉर्म कराना, सभी एम वन के लिए जब तक एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। नेक्स्ट टाइम एम वन को चांस मिलेगा, एम वन के केस में एन का वैल्यू कितना है टू, टू ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन टू इसलिए अगेन नेक्स्ट टाइम प्रोसेस करने की नीड है। नेक्स्ट टाइम भी कितनी बार प्रोसेस करेंगे, अगेन थ्री टाइम्स, फर्स्ट टाइम एम वन, अगेन थ्री केस एम वन, टू माइनस वन इज वन, प्रिंट एफ एन, एन कितना है टू, देन एम वन एन माइनस वन इज मीन्स एन का वैल्यू कितना है टू, टू माइनस वन इज वन। नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ के लिए तो कुछ भी, सिंपली जब भी प्रिंट एफ को चांस प्रोवाइड होगा सिंपली डिस्प्ले क्या हो जाएगा थ्री। नेक्स्ट टाइम अगेन वन मोर टाइम्स एम वन, इस एम वन के रिस्पेक्ट में टोटल कितने स्टेटमेंट प्रोसेस करेंगे, अगेन थ्री स्टेटमेंट, फर्स्ट वन एम वन, एम वन में पास क्या हुआ एन माइनस वन मीन्स वन, प्रिंट एफ एन और अगेन एम वन वन। नेक्स्ट टाइम रिमेनिंग एम वन के लिए चांस प्रोवाइड करें, अगेन इस एम वन के केस में एन का वैल्यू कितना वन, वन ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू देन अगेन इसको कितनी बार एग्जीक्यूट कराएंगे थ्री टाइम्स, एन का वैल्यू कितना है वन, मीन्स इन दैट केस सिंपली एम वन एन माइनस वन, एन का वैल्यू वन है, वन माइनस वन इज जीरो, प्रिंट एफ एन देन एम वन एन माइनस वन, माइनस वन इज जीरो। नेक्स्ट इस एम वन के रिस्पेक्ट में भी कितनी बार प्रोसेस करेंगे थ्री टाइम्स, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ लैक ऑफ स्पेस। अगेन एम वन, एम वन के लिए पास क्या करेंगे जीरो, प्रिंट एफ एन देन एम वन अगेन जीरो, इन दैट केस अगेन एम वन के लिए कितनी बार प्रोसेस करेंगे थ्री टाइम्स, एम वन वन माइनस वन इज जीरो, प्रिंट एफ एन एम वन जीरो, अगेन इन दैट केस थ्री टाइम्स, एम वन जीरो, प्रिंट एफ वन एम वन जीरो, लाइक दिस। टाइप से ट्री डायग्राम कंप्लीट करने वाला, अगेन आपको आगे एम वन को फिर से रिजॉल्व करने नीड नहीं, बिकॉज एम वन के केस में वैल्यू कितना पास हुआ जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो अगर प्रोसेस करोगे देन कंडीशन फॉल्स हो जाए, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट प्रोसेस करनी नीड नहीं है सिंपली। आउटपुट कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपली रूट टू लीव, लेफ्ट टू राइट इसको ट्रेवर्स करेंगे, ट्री को, ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, सबसे पहले क्या है एम वन, एम वन के लिए कुछ प्रोसेसिंग करना, मीन एम वन के रिस्पेक्ट में थ्री स्टेटमेंट प्रोसेस करेंगे, देन अगेन एम वन सिंपली लीव इट, अगेन एम वन लीव इट, अगेन एम वन लीव इट, डू नथिंग।
नेक्स्ट फाइनली जब तक इस प्लेस पर आओगे तब तक स्टैक के अंदर कितने फंक्शंस लोड होंगे, 4 फंक्शंस। जैसे ही M1 कंप्लीट होगा लीव इट, मीन से स्टैक से रिमूव जाए, देन इसके जस्ट बाद अगेन प्रिंट एफ में करंटली क्या फंड हो रहा है एज अ 1, तो इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ इसके इसमें 1। मीन्स जब भी प्रिंट एफ फाउंड होगा देन प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, देन अगेन M1 डू नथिंग पेरेंट अगेन प्रिंट एफ में पास क्या हो रहा है 2। नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले हुआ इसके इसमें 2। नेक्स्ट टाइम M1 डू नथिंग M1 0 अगेन प्रिंट एफ में पास क्या हुआ 1, तो नेक्स्ट टाइम अगेन क्या प्रिंट हुआ इसके इसमें 1। नेक्स्ट वन अगेन M1 0 लीव इट इस पेरेंट अगेन पेरेंट इसके इसमें फाउंड क्या रहा प्रिंट एफ 3, देन प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू एज 3 प्रिंट होने के जस्ट बाद देन अगेन राइट सब ट्री प्रोसेस करें अगेन क्या है M1 0, देन 0 के बाद क्या प्रिंट एफ में क्या भाग हो रहा 1, इसलिए डिस्प्ले क्या हो जाएगा इसके इसमें वैल्यू एज 1। नेक्स्ट वन M1 लीव इट देन अगेन प्रिंट एफ में 2 फाउंड हो रहा है इसलिए डिस्प्ले क्या होगा वैल्यू एज 2। नेक्स्ट टाइम अगेन M1 प्रिंट एफ वैल्यू एज 1, डिस्प्ले क्या होगा इसके इसमें 1, देन M1 लीव इट सिंपली लीव इट मीन्स कंप्लीटेड। फाइनली जैसे इस प्रोग्राम को ट्रेवर्स करने के बाद मीन्स फाइनली रूट पर पहुंचे उसके इसमें डिस्प्ले क्या होगा 1 2 1 3 1 2 1, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर आप सेम प्रोग्राम स्टैक डायग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करो स्टैक डायग्राम के थ्रू भी सेम आउटपुट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसके इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होने के चांस होंगे। इस केस में मल्टीपल टाइम्स के फंक्शन बार बार लोड होंगे, फाइनली M1 कितनी बार लोड होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मीन्स 15 टाइम्स, इज द केस ऑफ रिकर्सन।